अस्सलामु अलैकुम। रेसिपी हब में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ नारियल के लड्डू, जिसके लिए यहाँ पे मैंने दो कोकोनट्स को जो है जिसका पील निकाल के मैंने इसे अच्छे से मिक्सर में ग्राइंड कर लिया है। आप चाहें तो डेसिकेटेड कोकोनट का यूज़ कर सकते हैं जो रेडी हमें मार्केट में मिल जाता है। घी यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून भर के ले लिया है। आधा कप दूध यहाँ पे मैंने लिया है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर का ये दूध है। और कार्डमम पाउडर हमें चाहिए। यहाँ पे मैंने रास्पबेरी रेड फूड कलर यूज़ किया है जो लाइटली पिंक होता है, और ग्रीन कलर भी यूज़ किया है। कलर ऑप्शनल है, आप चाहें तो इस्तेमाल कीजिए वरना नहीं। आधा कप चीनी और 3 टेबलस्पून भर के मिल्क पाउडर मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। यहाँ पे मैंने कढ़ाई ले ली है और गैस ऑन करके जैसे ही कढ़ाई गर्म होगी हम इसमें घी ऐड करेंगे। आप चाहें तो बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम ऑयल नहीं ऐड करेंगे, घी या बटर कोई एक इसमें से हम ऐड करेंगे। जैसे ही घी गर्म होगा तब हम इसमें ये नारियल का बुरादा ऐड कर देंगे। हमें नारियल के कलर को बिल्कुल भी नहीं बदलना है, बस इसे हल्के से हमें घी में जो है सॉटे करना है, तब तक जब तक एक अच्छी सी सौंधी सी खुशबू इस नारियल में ना आ जाए। अच्छे से मैं इस नारियल को जो है इस घी में मिक्स कर रही हूँ। आप देख सकते हैं इसका रंग बिल्कुल भी नहीं बदला है, एक थोड़ा सा ऑफ वाइट कलर जो है इसका आया है, यही कलर हमें चाहिए। तो अच्छे से घी में इसे मिक्स करने के बाद हम इसमें मिल्क यानी कि दूध ऐड कर देंगे। ये पूरे का पूरा आधा कप दूध मैं इसमें ऐड कर दूंगी। पहले थोड़ा सा मैंने ऐड किया, हम मिक्स कर लेंगे और अब इसमें हम जो रिमेनिंग दूध है वो भी ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से हम चला लेंगे। इस नारियल के मिक्सचर को हमें बिल्कुल भी अनअटेंडेड नहीं छोड़ना है, वरना इसके जलने के चांसेस हाई हो जाते हैं। अच्छे से मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। हमें इसे तब तक पकाना है जब तक ये दूध जो है अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। दूध को ड्राई होने तक हमें इसे पकाना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दूध बिल्कुल सूख चुका है। जैसे ही दूध इसमें अच्छे से अब्सॉर्ब हो गया हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। मिठास आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने आधा कप चीनी यहाँ पे ली है। चीनी को भी हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं चीनी का पानी भी निकल के ये काफ़ी ज़्यादा जो है एकदम सॉफ्ट सा एक मिक्सचर बन चुका है। हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक चीनी का पानी बिल्कुल इसमें अब्सॉर्ब ना हो जाए और ड्राई ना हो जाए। जैसे ही वो थोड़ा सा ड्राई होगा हम इसमें मिल्क पाउडर ऐड कर देंगे। मिल्क पाउडर से काफ़ी अच्छा इस नारियल का के मिक्सचर का टेस्ट जो है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा, एक रिच टेस्ट देगा मिल्क पाउडर इस नारियल के मिक्सचर को। तो आप देख सकते हैं कि ये सारा मिक्सचर जो है वो ड्राई होने लगा है। अब हम इसमें इलायची पाउडर ऐड कर देंगे बहुत हल्का सा, और इसे फिर से एक बार हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा नारियल का मिक्सचर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे 3 अलग अलग प्लेट्स में निकाल लेंगे, क्योंकि हम इसे 3 कलर में जो है बनाने वाले हैं। यहाँ पे मैं ग्रीन फूड कलर एक में ऐड कर रही हूँ और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दूसरे मिक्सचर में मैं ये रास्पबेरी रेड कलर ऐड कर दूंगी, इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको कलर नहीं चाहिए तो आप बस प्लेन वाइट ही इसे रखिएगा। इस मिक्सचर को हम हल्के गर्म में ही लड्डू का आकार देंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सूखा नारियल ले लिया है। मिक्सचर हल्का सा गर्म है जो हम मैनेज कर सकते हैं, तो इसे मैं यहाँ पे लड्डू का शेप दे रही हूँ। ये मैंने फ्रेश कोकोनट का इस्तेमाल किया है तो मिक्सचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। अगर आप डेसिकेटेड कोकोनट यूज़ करेंगे तो वो थोड़ा सा ड्राई होगा और थोड़ा सा नारियल जो है वो हार्ड की तरफ होगा, बहुत हार्ड नहीं पर थोड़ा सा हार्ड होगा। तो इस तरह से मैंने इसे सूखे नारियल में जो है डिप करके इसे लड्डू का आकार में दे रही हूँ। इसी तरह से हमें सारे लड्डू जो है तैयार करने हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने अच्छे लग रहे हैं ये कलर के नारियल के लड्डू, ये खाने में भी उतने ही लजीज लगते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी।
अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।